नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र के दौरान संसद में भावुक हो गए। पहली बार नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री भावुक हुए हों, इससे पहले भी कई दफा वो भावुक हो चुके हैं, लेकिन उनके आज भावुक होने का बहुत तरीकों से मतलब निकाला जा सकता है, क्योंकि वो आज भावुक हुए, तारीफ के पुल बांध रहे थे। चार सांसद जो हैं उनका आज रिटायरमेंट था। रिटायरमेंट के मौके पर हम कई दफ़ा ये देखते हैं कि तारीफें की जाती हैं, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोग तारीफ करते हैं, लेकिन आज तारीफ थोड़ी हटके थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाम नबी आज़ाद को बातें कर रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे। इसके बाद एक आतंकवादी हमला हुआ था, गुजरात के कुछ लोग थे जो जम्मू कश्मीर गए हुए थे, उन पर जब आतंकवादियों ने जब आक्रमण किया था उसकी बात करते हुए, उस मौके को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। भावुक होने के बाद जब वो भावुक हुए, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने भी अपनी जो भाषण था उसमें दिया, उन्होंने भी कई बार कई चीज़ों का जिक्र करते हुए वो भी भावुक हो गए। तो ये जो पूरा एंगल रहा आज प्रद्युम्न, संसद में जिस तरीके से जो गला था उनका, जो गला गीला हो गया, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? इसको राजनीतिक एंगल से भी देखा जाने लगा, क्योंकि सियासी जो तंज हैं वो भी तेज हो गए, क्योंकि हमेशा जो अपने नुकीले बयान और तंज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो फेमस हैं, कड़े फैसले लेते हैं लेकिन दूसरा एंगल भी ले लेते हैं, सॉफ्ट बहुत है यहां से नजर आता है, क्योंकि वही इंसान भावुक हो सकता है जो इंसान उन शब्दों को लेकर महसूस करता हो। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें साफ तौर पर ये देखा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी खुद भावुक हुए थे, और ऐसे में चार सांसदों का रिटायरमेंट था, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब रिटायरमेंट होता है मतलब आपने काम से रिटायर हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात भी बोली गुलाम नबी आज़ाद से कि आप ये मत सोचिएगा कि आप यहाँ से जा रहे हैं, बल्कि मन से कभी मत सोचिएगा, आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे और आपके जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा मेरे काम आते रहेगा, और चारों सांसदों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं, कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मैं उनके लिए हमेशा हूँ। ऐसे में वो इमोशनल हो गए, इमोशनल होना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि जब इतने लंबे समय से, इतने लंबे अरसे से आप किसी के साथ काम कर रहे होते हैं और उसके बाद जब उनका रिटायरमेंट होता है उसके बाद आपको ये चीज़ नज़र आती है कि अब इसके बाद एक साथ काम नहीं कर पाएंगे, एक साथ सदन में नहीं बैठ पाएंगे, आरोप प्रत्यारोप नहीं हो पाएंगे विपक्ष के साथ, तो कहीं ना कहीं वो पुरानी यादें होती हैं जिसके चलते आदमी इमोशनल होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी हैं तो एक इमोशनल होना उनके, जब वो इमोशनल होते हैं तो बहुत बड़ी एक खबर बन जाती है, लेकिन आम तौर पर एक वो आम इंसान की तरह ही हैं, तो ऐसे में उनके पास भी दिल है, तो जब उनके संग गुलाम नबी आज़ाद ने इतने लंबे वर्षों का उनका साथ है और अब वो रिटायर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनल होना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे में उन्होंने बार बार इस चीज़ का जिक्र भी किया था कि चारों सांसदों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं और कभी भी कोई ज़रूरत हो तो वो ज़रूर मेरे पास आए। लेकिन अगर विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष ने, क्योंकि जब रिटायरमेंट का जो माहौल होता है ऐसे में सबकी यादें होती हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की गई हो, एक दूसरे पर आरोप भी लगे हैं, लेकिन ऐसे में जब रिटायरमेंट होता है तो हर कोई एक अलग भाव से देखता है। लेकिन अब ऐसे में प्रधानमंत्री जब मोदी भावुक हो जाते हैं तो विपक्ष ने इस बार कोई इतना ज़्यादा हंगामा नहीं किया या इस खबर को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया कि प्रधानमंत्री मोदी भावुक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इतना लंबा साथ है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को, इतना लंबा साथ है, अब वो साथ दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा सदन में, तो कहीं ना कहीं वो भावुक पल बड़े ही अहम हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जब हमारे साथी भी हमसे छूटते हैं कई दफ़ा इधर से उधर, जब हम अपने संस्थानों को बदलते हैं तब हमारे साथ भी यही माहौल होता है। खैर, इतने बड़े नेता, दोनों अलग अलग पार्टियाँ, ये हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाता है कि यहाँ पर पक्ष है विपक्ष है, आरोप लगते हैं प्रत्यारोप लगते हैं, दो अलग अलग पार्टियां हैं, नेता बड़े लोग होते हैं लेकिन मन से कुछ नहीं है, मन से वो मित्र हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए जिक्र भी किया कि वो जब जो चुनावी पटल था उस पर जब वो नहीं आए थे, उससे पहले जब वो गुलाम नबी आज़ाद से जब वो लॉबी में मिलते थे तो पत्रकारों ने उन्हें एक बार देख लिया था, तो पत्रकारों ने जब पूछा कि ये क्या है, आप तो अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि हम हो सकता है अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखते हों लेकिन हम मित्र भी हैं, और इंसान होने के नाते मित्रता बिल्कुल जायज़ है, आप अलग अलग पार्टियों से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा संदेश गया वो आज ये गया कि लोकतंत्र में जिस तरीके से कई बार हम लोग देख रहे थे, अभी अमेरिका भी आपने देखा जिस तरीके से जो वहाँ पर जो कुछ हुआ, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी बनते हैं, लेकिन वहाँ की तस्वीरें और एक भारत की तस्वीरें, भारत में जब विपक्ष का एक नेता आज रिटायर हो रहा है तो देश का प्रधानमंत्री उसको याद करते हुए, उसकी बातों को दोहराते हुए आज भावुक हो गया। ये तस्वीरें यकीनन देश में भी देखी तो विदेश ने भी देखी होगी, विदेशी लोगों ने भी इन तस्वीरों को देखा होगा और जरूर तालियां पीटी होंगी। इसके साथ ही देखिए अब एंगल आ गया है, क्योंकि राजनीति तो होना जायज है, भारत है, भारत में पत्ता भी उड़ जाए तो उस पर भी राजनीति हो जाती है प्रद्युम्न, तो राजनीति ने भी अपने स्वर पकड़ लिया। राजनीति कैसे होने लगी, राजनीति देखिए आपको फैक्ट्स के जरिए बताने की कोशिश करता हूं। गुलाम नबी आज़ाद कुछ दिनों पहले की बात रही होगी प्रद्युम्न, जब 2.5 दर्जन के आसपास जो उनके पार्टी के लोग थे उन्होंने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी।
क्या कुछ कहा था चिट्ठी में? चिट्ठी में ये बात कही थी कि नेतृत्व जो है उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि गुलाम नबी आजाद जो है वो पार्टी को लेकर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और वो जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेकर बीजेपी में जा सकते हैं या फिर दूसरी कोई पार्टी अपना जो भी फ्रंट वगैरह है वो बना सकते हैं। अब सबसे अहम चीज क्या है, आज वो रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होने के दौरान जो उनकी दोस्ताना जो रवैया दिखा, व्यवहार दिखा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तो इसको लेकर राजनीति कहां से पलटती है? देखिए केरला में क्या है, केरला में आने वाले समय में 4 सीटें खाली होने वाली है राज्यसभा के लिए। वहां पर यूडीएफ अपनी जो सरकार चलाती है, यूडीएफ लेड राज्य सरकार है, कांग्रेस की वहां पर जो कांग्रेस सरकार बनाए हुए है प्रद्युम्न, उसमें कांग्रेस के इतने लोग हैं कि वो एक सीट पर अपना राज्यसभा सांसद बना सकती है। तो ऐसे में तस्वीर साफ समझ आ जाती है। तस्वीर ये है कि अगर गुलाम नबी आजाद को वहां से राज्यसभा सीट से नहीं नामित किया जाता है तो इसके बाद बहुत बड़ा एक प्रोबेबिलिटी जिसको हम समझ सकते हैं कि वहां से राज्यसभा में बीजेपी से वो पहुंचाए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए इस पर जो बड़े दूसरी पार्टी के नेता थे बीजेपी के ही, उन्होंने एक हल्के रामदास अठावले की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, रामदास अठावले ने जो एक होता है ना जो इनडायरेक्टली कहने की जरूरत होती है, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि आप इधर आ जाइए हम आपको इधर से राज्यसभा में भेजेंगे। तो कई चीजें हैं, कई मतलब निकल कर आते हैं। एक तरफ जब प्रधानमंत्री भावुक हुए तो कितने इसके राजनीतिक अर्थ हो सकते हैं? देखिए प्रधानमंत्री ने खुद ही एक बार कहा था कि आप हर चीज पर शंका कर सकते हैं लेकिन मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शंका नहीं कर सकते। तो उनकी हर एक्टिविटी, वो जो कुछ भी करते हैं, अगर इतना समझ लिए कि अगर वो कोई मास्क भी पहनकर आ जाते हैं तो उससे भी समझ में आता है कि वो क्या मैसेज देने वाले हैं। आज वो भावुक हुए, इससे भी समझ में आ रहा है कि वो क्या मैसेज जो है वो देने वाले हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री है, उनको पता है कि सारे कैमरे जो है उनकी तरफ रहते हैं। आज तो फिर भी संसद था लेकिन इससे पहले भी हमने कई दफा देखा है। देखिए अभी थोड़े दिनों पहले की बात करता हूं, जनवरी की बात करता हूं, जनवरी में जब वो कोरोना को लेकर जब वो पूरे देश को जो वो कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, तब की बात बता रहा हूं, जब वो देश को संबोधित कर रहे थे तब भी वो भावुक हो गए। इससे पहले 2019 की बात करूं तब एक वो जनसभा में थे वहां भावुक हो गए, उससे पहले एक प्रोग्राम में कार्यक्रम के दौरान वहां भावुक हो गए। तो कई दफा ऐसे मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री मोदी भावुक हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी भावुक हो चुके हैं, मतलब वो तो रोने लगे थे। तो ऐसे में जब राजनेता रोता है, राजनेता भावुक होता है, तो इसका मतलब सिर्फ यहां तक नहीं निकाला जा सकता कि वो एक आम इंसान है। कोई भी रो सकता है, कोई भी भावुक हो सकता है, हर किसी के अंदर जो है भावनाएं होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का भावुक होना बहुत सारे सवाल छोड़कर चला जाता है। तो ऐसे में आपको प्रद्युम्न क्या लगता है कि राजनीति तेज हो सकती है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी दी, ऐसे में ये जानकारी इसलिए अहम हो जाती है दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये राजनीति है, यहाँ पर उतार चढ़ाव लगातार जारी रहता है, सत्ता पलट लगातार जारी रहता है। ऐसे में आपने जिक्र किया जहाँ पर बीजेपी में उनको एक बार फैलाया जा सकता है और सीट भी दी जा सकती है, तो बिल्कुल ये हो सकता है क्योंकि पुराने संबंध हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो एक रणनीति की कमी है या फिर एक आप बोल सकते हैं कि जो लीडर है वो ढंग से लीड नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, तो कहीं ना कहीं वो कमी के चलते कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं या फिर अब रिटायर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन ऐसे में जब आज प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे और गुलाम नबी आज़ाद के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने जब वहाँ पर भी प्रणब मुखर्जी की बात की तो वहाँ पर भी थोड़े भावुक हुए थे। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि जब प्रधानमंत्री मोदी गुलाम नबी आज़ाद के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि सत्ता हर कोई पचा नहीं पाता है और सत्ता आप बहुत बेहतरीन तरीके से आपने देखी है और बहुत अच्छी तरीके से आपने काम किया है, और उनको सलूट भी किया गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, क्या बोलते हैं आपके गुलाम नबी आज़ाद को। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब एक देश का प्रधानमंत्री किसी विपक्षी पार्टी के नेता को सल्यूट कर रहा है और ये बोल रहे हैं कि आपने जो सत्ता का अच्छी तरीके से आपने बहुत इस्तेमाल किया और बेहतरीन तरीके से आप इसमें उभर कर आए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन ऐसे में भावुक जिस तरीके से वो हुए, तो काफ़ी लंबा अरसा एक साथ गुजारा है, चाहे विपक्षी पार्टी में रहे हों, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगे हैं, लेकिन आपने अभी बताया जिस तरीके से वो मित्र हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जिस काम में वो है, जिस पार्टी में वो है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप राजनीति से अलग आ जाए, व्यक्तिगत तौर पे अगर आप बात करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो वैसे मित्र हैं लेकिन अगर विपक्षी पार्टी और पक्ष वाली पार्टी में जहां बैठते हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से आपने अभी जिक्र भी किया कि बीजेपी से सीट मिल सकती है, तो ऐसे में ये चीज़ बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि
पुराने संबंध हैं, कहीं ना कहीं अगर इस सीट मिलती है तो बीजेपी पार्टी को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद वाकई में बहुत दिग्गज नेता हैं और ऐसे में काफ़ी लंबा अनुभव है उनको, तो कहीं ना कहीं वो अनुभव जो है वो बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए जब बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, रणनीति ये लोग लगातार बनाते रहते हैं, हमेशा ही बहुत बड़ी पार्टी है बीजेपी, रणनीतियाँ बनाती रहती है। ऐसे में आज जो कुछ संसद में हुआ, अगर उसको जल्दबाजी ना हो और उसको अगर समझाने की कोशिश की जाए तो देखना बहुत अहम हो जाता है कि अगर केरला से जो राज्यसभा सीट है वो गुलाम नबी आजाद को नहीं मिलती है और बीजेपी में वो शामिल हो जाते हैं और बीजेपी से उन्हें सीट मिल जाती है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ऐसे समझिए, कांग्रेस जो है वो परिवार की पार्टी बोली जाती है, एक परिवार है, गांधी परिवार है, उसकी जो है वो पार्टी है। लेकिन उसके बाद दूसरा पक्ष क्या है, कांग्रेस में बहुत दिग्गज नेता भी हैं, बहुत बड़े नेता भी हैं जिन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, वो फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेल पाते, वो हमेशा पीछे रहते हैं, छवि में छिपे रहते हैं। जैसे राहुल गांधी की बात करूं तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यही जो दो लोग हैं नेतृत्व कर रहे हैं और इन्हीं के बाद अध्यक्ष, इन्हीं में जो ट्रांसफर चलता है पावर का वो लगातार बना रहता है, तो इस चीज को देखना बहुत अहम हो जाता है। तो बड़े नेता जो है, दिग्गज नेता जो है, वो नाराज भी नजर आते हैं कांग्रेस से कई दफा। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था जैसे कि 2.5 दर्जन नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी और यहां पर नेतृत्व परिवर्तन की बात कही, तो ऐसे में ये अभी कहना जल्दबाजी मुझे नहीं लगता कि हो सकता है बीजेपी ने जो नब्ज है वो पकड़ ली हो, और नब्ज अगर पकड़ ली बीजेपी ने और वहां के दिग्गज नेताओं को, बड़े नेताओं को अगर अपनी तरफ खींचने में वो सफल साबित हो जाते हैं तो इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस जो है बहुत बुरी तरह से बिखर जाएगी। और कांग्रेस में अगर सिर्फ गांधी परिवार बचता है, ये जो बड़े नेता हैं जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, अगर ये नहीं बचते हैं तो प्रद्युम्न बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस झेल सकती है। और आज जो कुछ हुआ संसद में उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि राजनीति जो हमारे देश में है उसका हर प्याम है, उसका हर आयाम में राजनीति है, हर तरफ आप जाएंगे तो राजनीति आपको दिख जाती है, आप गली में भी चले जाएंगे, नुक्कड़ में भी चले जाएंगे, चाय की दुकान पर भी चले जाएंगे तो वहां भी राजनीतिक बात होती है। तो ऐसे में आज जो कुछ हुआ, प्रधानमंत्री मोदी भावुक हुए, और उस किस लिए भावुक हुए, क्योंकि विपक्ष का एक बहुत बड़ा नेता आज राज्यसभा से बोले रहा था रिटायरमेंट, ठीक है, अब इसको समझते कैसे हैं, रिटायरमेंट ही लिया जा रहा था, तारीफ होती है हमेशा का है, एक सिलसिलेवार है कि जब भी कोई बड़ा नेता या छोटा नेता कोई भी हो, लेकिन अगर संसद का सदस्य है वो अगर वहां से रिटायर होता है तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ऐसे में जो विपक्ष के भी नेता होते हैं वो लोग भी ताली बजाते हैं, तारीफ करते हैं, स्वागत करते हैं और कई बार कई चीज़ों को याद करके और माहौल बनाना जाता है। लेकिन आज जो कुछ हुआ, आज प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ तो की ही की, लेकिन वो उससे एक कदम आगे बढ़ गए, उन्होंने जो वहां पर थे प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने इशारों ही इशारों में क्या कहने की कोशिश की ये कई लोग समझ भी सकते हैं, क्योंकि वो शोकाकुल हो गए, ठीक है, उनका जो गला था वो रून सा गया, लेकिन लोगों ने उसके कई तरीके से मायने निकाल दिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि सोनिया गांधी जो हैं कांग्रेस की, उनको कहीं ना कहीं आज लगा होगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा राजनीतिक यहाँ पर एक पेच खेला है प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, हो सकता है कि ये बीजेपी में आ जाए, अब अगर ऐसे में ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि राजनीति जो है वो नया मोड़ ले लेगी। एक बहुत बड़ा नेता एक पार्टी का जब बीजेपी में शामिल हो जाएगा कांग्रेस का, तो इसके बाद झड़ी लग जाना ज्यादा, मैं मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल ये तो स्वाभाविक हो जाता है कि जब इतना बड़ा नेता अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाता है तो अपने आप में जो बीजेपी की जो पावर है वो एकदम बढ़ जाएगी। लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो ऐसा झटका यहाँ पर उनको मिलने वाला है कि क्योंकि जब गुलाम नबी आज़ाद छोड़कर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनके संग ऐसे कई उनके नेता हैं, कई उनके साथी हैं जो बीजेपी में शामिल होंगे, तो ये तो स्वाभाविक हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी हर क्षेत्र से मात खा जाएगी और बीजेपी को उसका फायदा मिल जाएगा। अब इसको चाहे प्रधानमंत्री मोदी और गुलाम नबी आज़ाद की दोस्ती कह लीजिए या फिर नेतृत्व की जो कमी है कांग्रेस में उसको कह लीजिए, क्योंकि कांग्रेस में एक परिवार बात चलता है कि जो पार्टी का एक तरीके से मुखिया है वो परिवार के ही लोग रहते हैं, उसके अलावा किसी नेता को एक उभर कर आगे नहीं आने दिया जाता है, इसी वजह से वहां के नेता जो है वो काफी खफा रहते हैं और बीजेपी या अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर गुलाम नबी आजाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ऐसे में जो फायदा उनसे कांग्रेस को मिल रहा था अब वो फायदा वो बीजेपी को मिलेगा, और कहीं ना कहीं जब इतनी स्ट्रांग बॉन्डेशन हो जाती है तो कहीं ना कहीं फर्क बहुत बड़े पैमाने पर महसूस किया जा सकता है। ये वहां से उनको सीट मिलती है, ऐसे में सीट मिलेगी और बीजेपी से होंगे तो जीतना कुछ प्रतिशत में तो ज्यादा हो ही जाता है। अगर आप कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को रखते हैं तो ये आमतौर पर देखा गया है कि जो जनता है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं ज्यादा पसंद करती है, तो ये किस तरीके से आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पसंद अगर लेवल पे हम जाते हैं तो कांग्रेस के अलावा बीजेपी की जो एक तरीके से एक फेम बोल दीजिए या फिर एक पसंदीदा पार्टी बोल दीजिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, देखिए राजनीति समझिए, राजनीति बयानों से हटकर, भाषणों से निकलकर और सीधे कहां जा पहुंची है,
अब जाकर पहुंच रही है भावनाओं पर, भावनाओं के साथ भी अब राजनीति खेली जा रही है। प्रद्युम्न समझने वाली बहुत जरूरत है इसको, क्योंकि ये कहां से कहां तक पहुंचती है अभी फिलहाल तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन समय जरूर बताएगा। तो फिलहाल आज के शो में इतना ही, आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।